बच्चों क्वेश्चन है कि हमको मिरर फॉर्मूला डिराइव करना है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। v है इमेज डिस्टेंस, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f है फोकल लेंथ। मिरर फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए आप सातों में से कोई भी एक डायग्राम को चूज कर सकते हो। कौन से सात डायग्राम? छह रे डायग्राम तो आपके कॉनकेव मिरर के हैं फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक आपका रे डायग्राम जो है वो कॉन्वेक्स मिरर का है। आप सातों में से कोई भी एक रे डायग्राम उठाओ और ये जो मैं स्टेप्स बता रहा हूं इन स्टेप्स को फॉलो करते जाओ, आप किसी भी डायग्राम से ये जिसको बोला जाता है मिरर फॉर्मूला इसको डिराइव कर लोगे। यहां पर मैंने कॉनकेव मिरर लिया है और कॉनकेव मिरर का मैं वो वाला केस ले रहा हूं जहां पर कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा होता है। आप कोई भी केस ले सकते हो, बस आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं जो मैं यहां पे बता रहा हूं। तो इमेज बनाते हैं इसकी। सबसे पहले एक रे गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो कि मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास हुई। एक तो ये वाली रे बना लो, दूसरी आप एक रे बना लो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो अपना पूरा का पूरा पाथ क्या करती है? रिट्रेस करती है। मान लो यहां पर इस रे ने हिट किया मिरर को, है ना, आप मान लो मिरर थोड़ा सा आगे तक है और ये अपना पाथ क्या करेगी? रिट्रेस करेगी। ये दोनों जहां पर मीट करती है या मीट करती हुई दिखाई देती है वहां पर इमेज बनती है। यहां पर तो ये मीट करती हुई दिखाई नहीं दे रही है, एक्चुअली में मीट कर रही है, तो रियल इमेज हमारी यहां पर एक बन रही है। लेट्स कॉल दिस ऑब्जेक्ट एज ए बी, और इमेज को हम ले लें ए डैश बी डैश। पोल पी है, फोकस एफ है और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है। तो ये जो डिस्टेंस है पोल से फोकस तक का, ये फोकल लेंथ है स्मॉल एफ, और इमेज तक का जो डिस्टेंस है यानी पी ए डैश पोल से इमेज तक का जो डिस्टेंस वो वी है इमेज डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है यानी पी ए ये यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब आपको क्या करना है, आपको दो ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल्स लेने हैं। यही आ गए वो स्टेप जिनकी मैं बात कर रहा था। आपको दो ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल्स लेने हैं जिनका परपेंडिकुलर जो है एक का ऑब्जेक्ट होना चाहिए और दूसरे का परपेंडिकुलर इमेज होनी चाहिए, और वो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स सिमिलर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। क्यों ये दोनों सिमिलर हैं? सिमिलर ट्राइंगल्स वो होते हैं जिनके दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएं तो वो सिमिलर हो जाते हैं, और सिमिलर ट्राइंगल्स की जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी रेशियो सेम होती है। अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं इन दोनों ट्राइंगल्स में, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। प्लस इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ऐसे ही दो ट्राइंगल्स की मैं बात कर रहा था जिनमें परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट हो और वो दोनों सिमिलर हो। ऐसे आपको ट्राइंगल्स ढूंढने हैं डायग्राम के अंदर। फिर आपने क्या करना है, जब आपको ऐसे ट्राइंगल्स मिल जाएंगे आपने लिखना है कि ये ट्राइंगल सिमिलर है, तो इनकी जो परपेंडिकुलर की जो रेशियो है वो इनके बेसिस की रेशियो के बराबर होगी, और आप इसको ले लो वन। आपने दो पेयर ढूंढने, ये तो पहला पेयर हो गया। अब ऐसा ही एक और पेयर ढूंढो, एक पेयर आप ऐसा ही ढूंढो। अगर आपके डायग्राम में आपको दूसरा पेयर ना मिले तो आप एक और रे बना सकते हो जिससे आपको वो पेयर मिल जाए। जैसे यहां पे एक पेयर तो ये हो गया, अब दूसरा पेयर नजर नहीं आ रहा, तो एक रे अगर मैं ये वाली बना लूं जो पोल से जाती है और वो ऐसे रिफ्लेक्ट होती है ना सच दैट ये दोनों एंगल्स ये और ये बराबर होते हैं, बिकॉज ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है दोनों बराबर है। अब अगर मैं बनाऊं तो क्या मेरे को दो पेयर मिल गए ट्राइंगल्स के? एक और पेयर मिल गया, मतलब बिल्कुल मिल गया। ट्राइंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। क्यों क्यों सिमिलर है? बिकॉज
इन दोनों ट्राइंगल्स में भी एक एक एंगल ये वाला बराबर हो गया और 90-90 ये तो है ही बराबर। तो इसका भी आपने वही लिखना है कि परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस बाय बेस। अबे डैश लगाया था, इतना बड़ा बन गया एआई लग रहा है लिखा हुआ। ये इक्वल टू बेस, बेस क्या है, ये वाला ट्राइंगल है ना पहला, इसका बेस है एपी, तो बेस बाय बेस ए डैश पी, ए डैश पी। तो बस आपको ये करना है, दो पेयर आपको सिमिलर ट्राइंगल्स के ढूंढने हैं, परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस बाय बेस लिखना है। ऐसे में ये जो दो इक्वेशंस बनेगी वन और टू, इनका जो एल एच एस है वो इक्वल होगा क्योंकि दोनों में ऑब्जेक्ट हाइट अपॉन इमेज हाइट होगी। तो आपने लिखना है फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू वी गेट, फ्रॉम वन एंड टू वी गेट दिस इक्वल टू दिस। भाई उनका एल एच एस सेम है तो आर एच एस भी सेम होगा, एसी बाय ए सी बाय ए डैश सी इक्वल टू ए पी बाय ए डैश पी। यहां पे आने के बाद आपने मेक श्योर करना है कि सारे जो डिस्टेंसेस हैं आपके वो सारे के सारे डिस्टेंसेस पोल से हों। जैसे एसी तो इतना ही है तो इसको पोल से लिखो, एसी को लिख सकते हैं पी ए माइनस पी सी, एसी को हमने लिख दिया पी ए माइनस पी सी अपॉन ए डैश सी को क्या लिख सकते हो, ए डैश सी को लिख सकते हो पी सी माइनस पी ए डैश, पी सी माइनस पी ए डैश इक्वल टू, ये तो है ही पोल से तो इनको मत छेड़ो, ए पी अपॉन ए डैश पी। फिर आपने क्या करना है, आपने देखो मेरे पास जगह कम है ना तो मैं इसी लाइन में लिखता जा रहा हूं, इंप्लाइज दैट का साइन लगा के आप अगली अगली लाइन में लिख, ठीक है। फिर आपने लिखना है पी ए पी सी पी ए डैश जो भी आपके पास यहां पे आया, क्योंकि सारे डिस्टेंसेस हमने पोल से ले लिए हैं, इनके सिंबल्स पुट कर दो एफ यू और वी, या फिर पी से सी तक का जो डिस्टेंस है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो अगर पीसी कहीं पे आ रहा है तो वो पुट कर देंगे हम, लेकिन इस तरफ पोल से इस तरफ के जो डिस्टेंसेज है वो नेगेटिव लिए जाते हैं क्योंकि ये लाइट की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर हो रहे हैं। तो हम पीए की जगह क्या लिखेंगे, पीए की जगह हम लिखेंगे माइनस यू, पीसी की जगह हम लिखेंगे माइनस आर डिवाइडेड बाय, पीसी की जगह हम लिखेंगे माइनस आर और माइनस पीए डैश की जगह हम लिखेंगे, अच्छा यहां माइनस एक ऑलरेडी था तो माइनस आर लिखते टाइम ब्रैकेट लगा ली जाए माइनस आर और पीए डैश की जगह हम लिखेंगे, पी ए डैश की जगह हम लिखेंगे माइनस वी इक्वल टू ए पी की जगह हम लिखेंगे माइनस यू अपॉन माइनस वी, ठीक। अब क्या बचा, माइनस यू प्लस आर, माइनस आर प्लस वी, इसको जरा हम अगले पेज पे ले चलते हैं अपने साथ, आ जा भाई। माइनस यू प्लस आर माइनस आर प्लस वी इक्वल टू यू डिवाइडेड बाय वी। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस यू वी प्लस वी आर इक्वल टू माइनस यू आर प्लस यू वी, और UV और UV या इस माइनस UV को उधर ले जाओ तो VR, ये वाला VR लिखा, ये माइनस UR था, इसको प्लस इधर ले आए तो प्लस UR हो गया इक्वल टू, यहां पे इसको ये लिखा 2UV, UV प्लस UV 2UV। अब अगर हम इसको UVR से डिवाइड कर दें दोनों तरफ UVR, यू वी आर, तो देखो कौन सी टर्म में क्या कैंसिल होगा, यहां पे वी आर और वी आर कैंसिल हुआ, यू आर और यू आर कैंसिल हुआ, और यू वी और यू वी कैंसिल हुआ। तो अपने पास यहां पर बचा एक तो वन अपॉन यू, यहां पे बचा वन अपॉन वी, और यहां पे बचा टू अपॉन आर। और हम जानते हैं कि सिंस आर जो है वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ है, तो
यहाँ पे वी को पहले लिख लो, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लगेगा ना, जैसे होता है फॉर्मूला, और वन अपॉन यू को बाद में लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। टू अपॉन आर, आर की जगह हम लिख सकते हैं टू एफ, टू से टू कट जाएगा, फाइनल रिजल्ट हमारा आ गया वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ। ठीक है, तो ये हमारा है मिरर फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन का भी अगर आप या, आपको यहां पे पूछा जाए तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो भी यहीं से निकला है। ये वाली टर्म कहां से आई थी, सेकंड वाले केस में ये वाली टर्म थी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय हाइट ऑफ इमेज, है ना, ये ए बी बाय, ये वाली टर्म थी हमारी ए बी बाय ए डैश बी डैश, तो ये क्या आई थी टर्म हमारी माइनस यू बाय माइनस वी, तो माइनस से माइनस कट गया। ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट और वो है पॉजिटिव, और ए डैश बी डैश क्या है, इमेज की हाइट, बट इमेज है उल्टी तो वो हाइट है नेगेटिव, तो यू बाय वी। मैग्निफिकेशन क्या होती है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसका रेसिप्रोकल कर लो, माइनस का साइन उधर ले आओ, तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, माइनस वी डिवाइडेड बाय यू। देयरफोर मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला आपने क्लास टेंथ में डायरेक्ट यूज पक्का किया होगा ये, क्योंकि ये है वहां न्यूमेरिकल्स के अंदर, वो फॉर्मूला यहां से आया है, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर। तो आप ये स्टेप्स फॉलो करोगे कोई सा भी केस लेकर, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में बोल दिया जाता है कि वर्चुअल इमेज वाले केस के लिए बनाओ, रियल के लिए बनाओ, कॉन्वेक्स के लिए बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाले स्टेप्स लगाओ, फॉलो करो इनको, अपने आप आपका एंड में आप ऐसी इक्वेशन पे पहुंचोगे। यू वी आर से डिवाइड करना मत भूलना, आर की जगह 2f डालना मत भूलना, आपको अपना फाइनल मिरर फॉर्मूला मिल जाएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर।